पिछले कुछ दिनों से आप बूम कॉइन का नाम तो ऑलरेडी सुन रहे होंगे, जो कि बुक ऑफ मीम के नाम से बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है। लेकिन आप यकीन नहीं करोगे, यही कॉइन ने सोलाना जैसे बड़े बड़े कॉइन्स को एक तगड़ा पुश दिया, जिससे क्या कि इनके प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर जा रहे हैं। इनका जो मार्केट कैप है बहुत ही ज्यादा ऊपर जा चुका है। सोलाना की आज अगर हम बात करें तो $185 के आसपास प्राइस चल रहा है, जो कि ऑलमोस्ट $200 तक पहले पहुंचा था। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा फायदा हुआ, इसकी डेक्स की वॉल्यूम एकदम से बूम हुई है। और ये इसका सबसे बड़ा रीजन यही था कि मीम कॉइन का जो एक्सप्लोजन हुआ है, मीम कॉइन्स जो बहुत ही ज्यादा तेजी से रफ्तार पकड़ रहे हैं, उसकी वजह से सोलाना के डेक्स की वॉल्यूम $3.5 बिलियन पहुंची है। तो हमेशा आज तक ऐसे ही होता आ रहा था कि कुछ अच्छे ऑल्टकॉइन्स या फिर बिटकॉइन की वजह से मीम कॉइन्स चल रहे थे, लेकिन आज क्या हो रहा है कि मीम कॉइन्स की वजह से जो रेडियम नाम का कॉइन है सोलाना के ऊपर, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आर्बिट्रम से भी ऊपर गया, मेकर से भी ऊपर गया, यानी कि बड़े से बड़े जो अच्छे डिफाई टोकन से या फिर अच्छे ऑल्टकॉइन से, उन्होंने भी एक बड़ा प्रॉफिट दिया है। तो आखिर आगे आने वाले समय में बुक ऑफ मीम कॉइन कहां तक पहुंच सकता है और जो सोलाना है इसकी वैल्यू कहां तक पहुंच सकती है, क्योंकि ऑलरेडी अभी ये $190 के आसपास फिर से चल रहा है एंड डेफिनेटली $200 का मार्क अगर क्रॉस करता है तो इसमें बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट होने वाला है, जो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, जिसके अपडेट्स मैं आपको हमेशा टेलीग्राम के ऊपर देने वाला हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे हम हर एक अपडेट सबसे पहले डालते हैं। तो कल के दिन आपको मैंने एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने आपको पूरी जानकारी दी थी बोम कॉइन की, BOME के नाम से, जो अभी भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, टॉप ट्रेंडिंग कॉइन्स में से एक है कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। और अगर आप एक्सचेंजेस के ऊपर भी जाओगे तो वहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट हॉट या फिर ट्रेंडिंग में कॉइन आपको एक ही दिख रहा होगा, जिसका मार्केट कैप से अगर हम पोजीशन अभी देखें तो 83 के आसपास चल रहे हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर हम यहाँ पे देख सकते हैं 80% से भी ज्यादा प्रॉफिट मिला है, पिछले 7 दिनों के अंदर 2000% से भी ज्यादा प्रॉफिट मिला है। अभी इसकी वैल्यू $0.017 के आसपास चल रही है। ये उन कॉइन्स में से एक है जो कि बहुत ही थोड़े समय में बहुत ही तेज रफ्तार से आगे बढ़े हैं। जैसे कि अगर हम डॉजकॉइन की बात करें, शिबाइन की बात करें, बोंग कॉइन, पेपे कॉइन, तो वो इतनी तेजी से नहीं बढ़े थे। हालांकि पेपे कॉइन की अगर हम बात करें तो ये 39th पोजीशन पर है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप, क्योंकि इसका मार्केट कैप $3 बिलियन के आसपास है। और ये पॉसिबिलिटी बन रही है कि अभी जो बोंग कॉइन है और इसके साथ साथ जो बूम कॉइन है, ये भी बहुत अच्छा इसी तरीके से आगे बढ़ने वाला है। तो इसका मेन रीजन सबसे बड़ा जो होने वाला है वो यही है कि सोलाना का जो इकोसिस्टम है वो एक्सपेंड होता जा रहा है। सोलाना के इकोसिस्टम का जो वॉल्यूम है, ट्रेडिंग वॉल्यूम, मार्केट कैप, डेक्स वॉल्यूम, ये सब कुछ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि सोलाना की वैल्यू भी $200 को बहुत ही जल्दी आज रात हो सकता है कि क्रॉस कर जाए। और सोलाना के चलते चलते इसका इकोसिस्टम के जो कॉइन्स आते हैं, जैसे कि बोम कॉइन की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये भी उतना ही तेजी से आगे बढ़ेगा। तो एक्चुअल में हुआ क्या कि 12,721 सोलाना टोकन्स को एक्सचेंज किया गया 334 मिलियन बूम कॉइन के लिए फ्राइडे के दिन, और आज संडे चल रहा है, यानी कि जब पंप आने वाला था उससे थोड़े दिन पहले ही ये एक ट्रांजैक्शन करी गई थी। और इसी के वजह से जो सोलाना टोकन सेल किए गए थे वो बूम कॉइन के रूप में बहुत ही तेजी से बढ़े और उनकी वैल्यू डबल से भी ज़्यादा हो चुकी थी। अब ऐसा नहीं है कि सोलाना के इकोसिस्टम में सिर्फ बूम कॉइन ही अच्छा चल रहा है, इसमें और भी काफ़ी सारे कॉइन्स हैं, जैसे कि सिली कैट है, गीगा है जो कि गीगा चैट के नाम से है, सामो है, पेपे है, इसी के साथ लॉफ कैट है जो कि लॉफ के नाम से है। तो ऐसे सारे के सारे मीम कॉइन्स अभी अच्छे चल रहे हैं। तो ऐसा मान लो कि जिसका सोलाना के ऊपर हाथ है वो कॉइन चलेगा ही चलेगा, और अभी जो समय चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बूम कॉइन का चल रहा है, यानी कि बाकी कॉइन्स तो अभी पंप हो ही रहे हैं, लेकिन बूम कॉइन में अभी और भी ज़्यादा पोटेंशियल बाकी है। तो आपको कल के दिन भी बताया था, अगेन बता देता हूँ कि इसका जो डेवलपर है या फिर इसकी जो वेबसाइट बनाई है, जो उनका कोई भी मकसद नहीं है प्रॉफिट अर्न करने का या फिर कॉइन्स को सेल करने का, वो सिर्फ और सिर्फ एक आर्ट प्रोड्यूसर है या फिर डूडल मास्टर है जो अपना आर्ट यहाँ पर डालते रहते हैं टेलीग्राम के ऊपर। और इन्होंने यहाँ पे एक हिंट भी दिया है कि बोम आने वाले समय का नेटफ्लिक्स बनने वाला है, जिसमें 8 मीम्स डाले जाएंगे। तो यहाँ पे मीम की प्रमोशन बहुत ज़्यादा करी जा रही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मीम कॉइन की लेकिन मीम आर्ट की। आप देखोगे यहाँ पे एक मीम ट्वीट डाला गया, मीम इज आर्ट एंड आर्ट इज मीम एंड मीम इज लाइफ एंड लाइफ इज मीम, मीम इज इंटरनेट एंड इंटरनेट इज मीम, हु कंट्रोल्स आर मीम्स कंट्रोल्स आर यूनिवर्स। यानी कि अगर कोई मीम्स को कंट्रोल कर रहा है, चाहे वो मीम कॉइन है चाहे वो मीम का आर्ट है, तो वो पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। और ये चीज़ सच भी है, आप इंस्टाग्राम के ऊपर ये चीज़ एक्सपीरियंस ऑलरेडी कर रहे हो। तो यहाँ पे लगातार मीम आर्ट्स डाले जा रहे हैं। तो जो ट्विटर हैंडल है ये वाला एक्स हैंडल डार्क फार्म्स के नाम से, जो इनका बूम का खुद का है, तो ये बहुत ही तेज़ी से यहाँ पे फॉलोअर्स गेन कर रहे हैं और यहाँ पे एंगेजमेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो इससे एक चीज़ सिद्ध होती है कि मीम कॉइन अभी अच्छे चल रहे हैं, चाहे वो बूम कॉइन हो, बोंग कॉइन हो, पेपे कॉइन हो, चाहे हो सकता है कि आने वाले समय और भी ऐसे नए जानवर वाले मीम कॉइन्स ऐड होते हैं तो वो भी चलेंगे।
और आपको मैं बताना चाह रहा था कि इसकी वजह से सोलाना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सोलाना का जो डेक्स वॉल्यूम है $3.5 billion से ऊपर गए, इसकी जो फाइनेंशियल एक्टिविटी है वो सर्ज होती जा रही है, उसमें बहुत ही ज्यादा एक्टिविटी दिखनी शुरू हो चुकी है। यही कारण है कि अभी ये बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन बन चुका है बीएनबी का। तो अभी बीएनबी का जो मार्केट कैप है $87 billion के आसपास है और सोलाना का $82 billion के आसपास है। और ऐसा पहले हुआ भी था कि बीएनबी को बहुत ही ईजिली सोलाना बीट कर रहा था एंड अभी भी बीट कर सकता है, बहुत ही आसानी से बीट कर सकता है। क्योंकि अभी अगर आप वॉल्यूम देखोगे 24 आवर्स का तो सोलाना का $10 billion का है एज कंपेयर टू बीएनबी जो सिर्फ और सिर्फ $4 billion के आसपास चल रहा है। यानी कि सोलाना की एक्टिविटी जो है बहुत ही ज़्यादा तेज है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे ट्रेडिंग बहुत तेज़ी से हो रही है और इसकी जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है चाहे वो डेक्स के ऊपर हो तो वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं। तो जैसे यहाँ पे सोलाना फ्लिप करेगा बीएनबी को तो और भी ज़्यादा फोमो क्रिएट होने वाला है सोलाना को लेकर, जिसकी वजह से सोलाना डेफिनेटली आपको 200, 250, 300 बहुत आसानी से मिलने वाला है। तो आई होप कि आपके पास सोलाना पहले होंगे। हमने जो बाय किए थे बेयर मार्केट में, अगर आपने होल्ड किए हैं तो ऐसे बनाकर रखें, सोलाना आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट देने वाला है। तो यहाँ पे आप यकीन नहीं करोगे, ये जो बीट किया है सोलाना ने ऑलरेडी इथेरियम को भी कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे एक माइलस्टोन अचीव हुआ है ऐसा। इथेरियम एंड अदर ईवीएम बेस्ड जो लेयर टू सॉल्यूशंस हैं उनके ऊपर जो 24 आवर का वॉल्यूम है सोलाना का $3.6 billion तक पहुंचा और इथेरियम का $2.3 billion के आसपास चल रहा है। यहाँ से प्रूव होता है कि सोलाना कितना स्ट्रांग प्रोजेक्ट है और कितना स्ट्रांग कॉइन है सोलाना अपने आप में। अब इन्हीं में से एक जो सोलाना के इकोसिस्टम में आता है वो रेडियम भी आता है। तो रेडियम भी टॉप ट्रेंडिंग में कॉइन अभी चल रहा है और इसी के साथ साथ बाकी जो आर्बिट्रम जैसे हैं या फिर मेकर जैसे हैं, आवे जैसे कॉइन्स हैं तो वो भी ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन रेडियम उनसे भी ऊपर चल रहे हैं। तो यही कारण है कि आपको ये मैं वीडियो देना चाहता था जिसमें आपको पूरी जानकारी देना चाह रहा था कि इस यहाँ पे सिर्फ सोलाना ही नहीं बल्कि इसी के साथ साथ सोलाना बेस्ड जो कॉइन है इसके इकोसिस्टम मीम कॉइन्स आते हैं या फिर अच्छे जो डिफाई कॉइन्स आते हैं वो भी बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। तो आपने ये कॉइन्स मिस नहीं करने हैं। अब आप ही बोल रहे थे कि BTC तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है लेकिन जो ऑल्ट कॉइन्स है वो तो अच्छे चल नहीं रहे हैं, तो ऐसा अभी बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है क्योंकि BTC की जो डोमिनेंस है वो थोड़ी बहुत कम होती जा रही है। BTC का प्राइस एंड ट्रेडिंग वॉल्यूम थोड़ा कम हुआ है, उसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे जो पैसा पहले BTC में था वो पैसा भी ऑल्ट कॉइन्स में जाने वाला है। अब ऑल्ट कॉइन्स अच्छा चलने शुरू हो जाएंगे। आज अगर हम सोलाना की बात करें तो ऐसी सोलाना के साथ साथ BNB, कार्डानो, XRP या फिर जो मीम कॉइन्स हैं तो बड़े डिफाई टोकन्स ये सारे अच्छे चलने वाले हैं। यहाँ पे आपको अच्छे से अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है इन कॉइन्स में से। अगर आपको किसी और कॉइन की इन्फॉर्मेशन चाहिए, थोड़ा डीप में डिटेल चाहिए, चाहे वो कोई मीम कॉइन ही क्यों ना हो, जैसे कि आज अगर हमने बूम की बात करी या फिर पेपे की बात करें, तो प्लीज़ नीचे कमेंट जरूर करना, मैं बहुत ही जल्द वीडियो लेकर आऊँगा एंड अपडेट्स मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर ही दे रहा हूँ, कभी भी मिस मत करना। अगर आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप हमारे टेलीग्राम के ऊपर आ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है जब वॉल्फ्रेड डिस्कस के नाम से, जहाँ पे मैं आपको पर्सनली खुद आंसर करने वाला हूँ। आप कोई भी कॉइन के बारे में, कोई भी प्रोजेक्ट के बारे में अगर आप पूछते हो तो मैं आपको यहाँ पे आंसर करने वाला हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन हमेशा पहुँच रहे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।